इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सर्वे कंप्लीट कर लिया गया था और उसके बाद में कंपनी द्वारा सभी किसानों के भूमि के अंदर पिलर भी लगा दिए गए थे, जहां जहां से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। इस पर किसी कारणवश रोक लगा दी गई थी इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन अब उस समिति के द्वारा जिस कारण इस पर रोक लगी थी उस पर सहमति मिल चुकी है और इसका जल्द ही इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। हम बात करते हैं 2019 जनवरी में NHAI ने दी थी मंजूरी और भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अनुमति पर अटका दिया था इसको। जो भारतीय वन्य जीव है, उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को बनाने की अनुमति नहीं दी थी। वो करीब 180 किलोमीटर बनना है एक्सप्रेसवे, मात्र 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून की आप सफ़र तय कर पाओगे और वन्य जीव बोर्ड ने अब इसकी सहमति दे दी है इस एक्सप्रेसवे की, और जल्द ही इस एक्सप्रेसवे के अंदर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। देहरादून से सहारनपुर, शामली, बागपत होते हुए दिल्ली ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और NHAI के चेयरमैन SS सिद्धू एलिवेटेड रोड में इसको तब्दील करेंगे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है कि जल्द ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और दिल्ली देहरादून की 2021 के ही अंदर इसकी भूमि अधिग्रहण कर इस पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत